हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को जल्दी से लंबा करने का और साथ ही आपका बालों को लंबाई को बढ़ाने का एक जबरदस्त घरेलू तरीका आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। इस होम रेमेडी से आपका बालों का लंबाई बढ़ेगा और साथ ही आपके बाल हेल्दी और शाइनी दिखेगा इस होम रेमेडी से। सो चलो देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। और इस वीडियो को देखने के पहले, अभी तक कोई भी मेरे चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, ताकि साइड पे बेल आइकॉन को दबाइए, मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाएगा। सो चलो देखते हैं इस वीडियो को। अब मैं बताने वाली हूँ बालों को लंबाई बढ़ाने का। अभी इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक ऑनियन, एक प्याज लेना चाहिए। मैं एक प्याज को, इसका पील नींबू कर चुका हूँ। ये प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। अभी ऑनियन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अभी मैं मिक्सी जार में डाल चुका हूँ। आप सिर्फ एक प्याज ही, एक ऑनियन ही लेना है। अभी इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। अब ये मिक्स हो गया, अभी ये प्याज को मिक्स कर चुका हूँ। अभी इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के इसका रस निकालूंगी। अभी ये प्याज को, रस को हम स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करके इसका रस निकाल लेना है। याद रखिए कि आप एक प्याज का रस जितना आने से उतना ही निकालना है, ज़्यादा इसमें पानी ऐड करके मिक्स मत कर लेना। अभी एक प्याज का रस जितना रस आने से उतना रस ही आप ऐड कर लेना है। अब ये प्याज के रस में हम एक चम्मच शहद हनी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये शहद में एंटी ब्लीचिंग तत्व है। ये अपना बालों को लंबाई को बढ़ाएगा और साथ ही अपना बालों को सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट बनाने में भी ये शहद एक अमेजिंग घरेलू इफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें शहद यूज़ कर चुका हूँ। और इसमें हम दूसरा चूज ऐड करना चाहिए बेसन। अभी इसमें हम बेसन ऐड कर लेना 2 चम्मच। एक बेसन त्वचा के लिए नहीं, अपना बालों को लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स रहता है, विटामिन्स रहता है। इसकी वजह से अपना बालों का लंबाई जल्दी से बढ़ना शुरू होता है, इसीलिए मैं बेसन भी यूज़ कर चुका हूँ। इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल के ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि एक थिक लिक्विड जैसा बना लेना है। और ये बेसन में मिनरल्स, प्रोटीन्स रहता है। ये बेसन में, बेसन यूज़ करने की वजह से अपना हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, साथ ही अपना बालों के स्कैल्प को क्लीन करता है और ये डैंड्रफ से भी फाइट करता है। अपना बालों को लंबाई को बढ़ाने में भी ये बेसन एक होम चीज़ है। और ये बेसन में विटामिन्स, मिनरल होने के कारण बालों को एक कंडीशनर की जैसा काम करता है, और साथ ही अपना बालों को मोटा, घने और लंबे बढ़ाने में भी ये बेसन एक अच्छी होम रेमेडी है। अब ये 3 चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें हम फाइनली ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल। इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड करने की वजह से इसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल नेचुरल एडिबल ऑयल से तैयार होता है। इससे अपना बालों का लंबाई बढ़ेगा और साथ ही अपना बालों को, हेयर फॉलिकल्स को, स्कैल्प्स को और बालों का हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और बालों को जड़ से काले, घने और लंबे बनाने में भी यह विटामिन ई कैप्सूल एक अच्छी होम रेमेडी है। और इसमें विटामिन ई कैप्सूल मैं यूज़ कर चुका हूँ। ये विटामिन ई कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी हेयर ऑयल, घर में कुछ भी हेयर ऑयल अवेलेबल होगा, आप वो डाल सकते हो 1 से 2 ड्रॉप्स। अभी ये सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इसका टेक्सचर बहुत लिक्विडी रहना है और इसको ये बेसन अच्छा सा इसमें मेल्ट होना है, इसलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स कर लेना है। अभी ये पैक टैग हो गया है। इसमें सब बेसन, विटामिन ई कैप्सूल, प्याज का रस, शहद यूज़ करने की वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसमें बालों को लंबाई बढ़ाने का
और बालों को मोटा घने करके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। ये अमेजिंग चीज़, इसलिए ये चार चीज़ यूज़ करने की वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन है हेयर फॉल को रिड्यूस करके अपना बालों को लंबाई बढ़ाने का, एक नेचुरल होम रेमेडी है। अभी ये होम रेमेडी तैयार हो गया है। अभी इस पैक को आप बालों को शैम्पू करने के 2 घंटे के पहले ये लगा लेना। आप इसको हाथों की मदद से, यानी कि एक कॉटन बॉल की मदद से, आप पूरा आपका बालों का स्कैल्प से लेके पूरा बालों को ऊपर लगा लेना। ऐसा आप लगा के 1 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे तक रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप किसी भी हेयरबल शैम्पू से आप बालों को वॉश कर लीजिए। याद रखिए कि आप हेयरबल, किसी भी हेयरबल शैम्पू आप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम होम रेमेडी यूज़ कर चुका है, इसलिए आप नेचुरली हेयरबल शैम्पू यूज़ करने से आपका फ़ायदा और ज़्यादा होगा। ऐसा करने के बाद 1/2 घंटे के बाद आप किसी भी हेयरबल शैम्पू से बालों को धोना है। ऐसा करने से अपना बालों का लंबाई जल्दी बढ़ेगा और साथ ही अपना बालों को हेल्दी ग्रोथ लेके आता है ये नुस्खा। ये रेमेडी को चिल्ड्रंस, मेल, फीमेल, टीनेजर्स, ओल्ड एजर्स कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि है 100% नेचुरल होम चीज़ से तैयार हो चुका है। इसकी वजह से आपको कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई का बालों को ग्रोथ एक ही जैसा नहीं होगा। एक लोगों को 1 वीक में रिजल्ट होगा, दूसरा लोगों को 2 वीक के बाद रिजल्ट शुरू होता है। तो इसलिए आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करने से आपका बालों का लंबाई जल्दी से बढ़ना शुरू होता है। ये रेमेडी ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, आपको विजिबल डिफरेंस दिखाएगा। ये 100% नेचुरल है, इसका रिजल्ट तो आपको बहुत इफेक्टिव और अमेजिंग दिखेगा। इससे बालों का लंबाई भी जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। इस वीडियो का कोई भी कमेंट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके आंसर जरूर दूंगी। और आगे से और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके फिर मैं आपके सामने आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।